चलिए आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हमारे सहयोगी पवन सिवर ने रतनलाल कटारिया जो सांसद हैं उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है रतनलाल कटारिया ने, सुनते हैं। एलनाबाद विधानसभा सीट का उपचुनाव घोषित हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीख तय कर दी है, 30 अक्टूबर को एलनाबाद का उपचुनाव होगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला लोकसभा के सांसद रतनलाल कटारिया हैं। कटारिया साहब, चुनाव का बिगुल बज चुका है, उपचुनाव का क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, 30 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा हुई है, हरियाणा प्रदेश में एलनाबाद की हुई है। पार्टी जब से यह सीट खाली हुई थी तब से उसके ऊपर विचार कर रही है, लगातार मंथन चल रहा है, लगातार तैयारी चल रही है। गठबंधन की सरकार है, दोनों दल एक बार मिल बैठकर विचार विमर्श कर लेंगे और अगर सीट बीजेपी के बांटे आती है तो फिर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी में बैठ के, हमारा जो चुनाव समिति है उसमें बैठ के आगे की बातचीत होगी। और अगर दूसरी तरफ बातचीत कोई बनती है या उसके ऊपर वार्ता चलती है तो इन सब बातों का फैसला तो आदरणीय धनखड़ जी और चुनाव समिति ही मिलकर करेगी। यानी गठबंधन जो आप सरकार में, अब गठबंधन में है जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो गठबंधन का उम्मीदवार भी हो सकता है या फिर बीजेपी लड़े, जेजेपी लड़े, इसके ऊपर फैसला अभी आप कह रहे हैं कि तारीख तय हुई तो इसके बाद विचार होगा? हाँ, जहां तक मेरी मानना है कि जब हमारी मिली जुली सरकार है तो जो फैसला भी अगर मिलजुल कर होता है तो उसके अनुसार ही रणनीति बनेगी। लेकिन सर, एलनाबाद सीट तब खाली हुई थी जब अभय सिंह चौटाला ने किसानों को समर्थन देते हुए अपना इस्तीफा दिया, ये कहा कि कृषि कानून जो है वो किसानों के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार इनको रद्द नहीं कर रही है और मैं किसान हित में ये इस्तीफा दे रहा हूँ। अब भी किसान आंदोलन 10 महीने से जारी है, बीजेपी लड़ती है या गठबंधन लड़ता है, जनता के बीच जाएंगे किस उम्मीद के साथ? देखिए, मैं थोड़ी सी भनक लेके आया हूँ अभी जी। मैं सोनीपत गया था, 8 स्थानों पे मेरे कार्यक्रम वहां की जिला इकाई ने करवाए, सिंधु बॉर्डर पे भी कराया, बहालगढ़ में भी कराया। दोनों सीटें जीटी रोड पर थी नगर निगम की और वो दोनों सीटें बीजेपी जीती हैं। लोगों के, किसानों के दिलों में तो एक सिंपथी लहर चल रही है कि ये जो 13 पार्टियों का एक जो है भानुमती का कुनबा जो है ना इकट्ठा होके ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जहर उगल रहा है, इनके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। और मैं तो आशावादी हूँ, वो राजेश खन्ना की एक फिल्म थी, वो गाना गाया करते थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। तो ये इनका काम विपक्षी लोग हैं, इनको अपनी दुकानदारी चलानी नहीं है। ये किसान नहीं है, कोई किसान नहीं, हजार हजार मील किसान का दाना नहीं है, सब मतबली मौका प्रस्त लोग हैं। हाँ, ये जो जींद में अभी चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल ने तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को मंच पे खड़ा किया और ये कहा कि थर्ड फ्रंट जैसी जो स्थिति की जरूरत आज देश को है, तो आपको लगता नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर चुकी है इलाहाबाद उपचुनाव से पहले? देखिए, ऐसा है, चौधरी देवीलाल मेरे भी नेता रहे हैं, मैंने अपने जीवन के 25 साल उनके नेतृत्व में लगाए हैं। मैं उनकी सरकार में 87 में MOS मंत्री रहा हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और जितना सम्मान उनको दिया जाए उतना कम है। लेकिन राजनीति अलग है और तो वो तो 7-8 साल से मैदान के अंदर डटे हुए हैं, लेकिन पब्लिक ने तो नहीं अपनाया ना, पब्लिक नहीं अपनाएगी। तो ये एलनाबाद का उपचुनाव हो रहा है, इसका 30 को चुनाव है, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, 4 को दिवाली है, क्या आप मानकर चलें कि आप दिवाली मनाने में, गठबंधन दिवाली मनाएगा? क्योंकि वहां मजबूत स्थिति की अगर बात करें तो किसानों के हित के नाते अब इनेलो कह रही है कि हमारी मजबूत स्थिति है वहां पर। ऐसा है, दिवाली भी हमारी मनेगी, दशहरा भी हम मनाएंगे, पटाखे भी हम फोड़ेंगे, सारा काम हम करेंगे। किसानों के हित में दिया इस्तीफा कोई असरदार नहीं रहेगा क्या? इसका जार जार मील में कोई प्रभाव नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बीजेपी इतना बेहतरीन ढंग से लोगों की सेवा कर रही है, मैंने सोनीपत का जिक्र आपके सामने कर ही दिया जी।
हमारे साथ पूर्व केंद्र राज्य मंत्री और अंबाला लोकसभा से सांसद रतनलाल कटारिया थे, जो दावा कर रहे हैं कि एलनाबाद का जो चुनाव है उसके नतीजे जब आएंगे तो दिवाली जो है वो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन मनाएगा और किसान आंदोलन का इस उपचुनाव पर कोई असर नहीं होगा, ये दावा भी कटारिया कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।